सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान किसानों ने एक बार फिर केंद्र सरकार और यूपी सरकार को चेतावनी दी है। किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल, हरिंदर सिंह लखवाल और अन्य किसान नेता इस दौरान मौजूद रहे। किसानों ने कहा कि लखीमपुर खीरी मामले में गवाहों को टारगेट किया जा रहा है और SIT की रिपोर्ट को सरकार ने नजरअंदाज करने का काम किया है। किसानों ने आरोप लगाया कि लखीमपुर मामले में किसानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। ऐसे में लखीमपुर खीरी में ही अब किसानों की अगली बैठक होगी, जिसमें किसान मोर्चा कोई बड़ा फैसला लेगा। किसानों ने बताया कि इसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र तक के किसान शामिल होंगे। देखिए, जो आप सबके सामने जो लखीमपुरी जो प्रकरण है और उसमें जो सरकार बचाव के मूड में है, जो दोषी लोग हैं जिन्होंने किसानों को कुचला था वहाँ पर, और अजय टैनी मिश्रा के लड़के ने, तो उसमें सरकार किसानों के विरुद्ध चल रही है। हमारे जो गवाह हैं प्रत्यक्षदर्शी उस केस के हैं, उनको डरा धमकाया जा रहा है और डरा धमका करके उस केस को ख़त्म करवाना चाहता है वहाँ का प्रशासन। तो इस सारे माहौल को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक वहाँ आयोजित की जा रही है।